फ्रेंड्स, बहुत ही जल्द दिवाली आने वाली है और ऐसे में मुझे बहुत सारा कमेंट और मैसेज आ रहे थे कि प्लीज़ आप मिट्टी से छोटा सा लक्ष्मी जी का मूर्ति बनाना सिखाइए। तो चलिए आज हम मिट्टी से छोटा सा लक्ष्मी जी का मूर्ति बनाना सीखते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना, क्योंकि मैं इस मूर्ति को बहुत ही ईजी प्रोसेस में बनाना सिखाऊंगा। पर उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने छोटा सा एक लकड़ी का टुकड़ा लिया है और इसी पे मैं लक्ष्मी जी का मूर्ति बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर एक कमल का फूल बनाऊंगा। तो देखिए, हमने गोल शेप में मिट्टी को इस टाइप से रख लिया है। अब हम मिट्टी से छोटा छोटा पंखड़ी बनाएंगे कमल का फूल का। तो देखिए, इस टाइप से मैंने बहुत सारा बना लिया है और इसी को यहाँ पे अच्छे से चिपकाना है। देखिए, अच्छे से ज्वाइंट करें ताकि ये बाद में गिरे ना, इसमें से निकले ना। चारों तरफ से हम इसी टाइप से पंखड़ी को लगा देंगे और इसे क्लीन कर देंगे। उंगली में पानी लाकर देखिए मिला देंगे। ऊपर में मैंने थोड़ा सा मिट्टी भी ऐड किया है इसको ऊंचा करने के लिए इस टाइप से। और देखिए, हमने इसको ऊंचा कर दिया। इसके बाद पंखुड़ी पे हम डिटेलिंग कर लेंगे टूल्स की हेल्प से। देखिए, इस टाइप से सभी पंखुड़ी पे डिटेलिंग करना है और इसको क्लीन कर लेना है। ब्रश में पानी लाकर क्लीन करते जाना है। सभी पंखुड़ी पे इसी टाइप से डिजाइन बनाते जाना है। फ्रेंड्स, अगर आपको भी जानना है कि मैं मिट्टी कैसे तैयार करता हूँ मूर्ति बनाने के लिए, तो इसका वीडियो मैंने अलग से बनाया है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर देख लेना। और अब हम कमल के फूल पर लक्ष्मी जी को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इनका पैर बना लेंगे। देखिए, इस टाइप से हमने लंबा कॉइल बना लिया और उसी को मोड़ कर हमने पैर बनाए। इसके बाद हम दूसरे पैर को लगाएंगे। फ्रेंड्स, इस मूर्ति को बनाने में मैं कोई भी स्ट्रक्चर के लिए लकड़ी वगैरह का यूज नहीं करूंगा, सिर्फ मिट्टी से इस मूर्ति को बनाकर दिखाऊंगा। देखिए, अच्छे से पैर को हम ज्वाइंट कर लेंगे। पीछे से भी मिट्टी लगा लेंगे। देखिए, साइड से इन सबको अच्छे से ज्वाइंट करना है। दोनों पैर को लगाने के बाद हम साड़ी को बनाएंगे। तो देखिए, हमने साइड से भी पतला मिट्टी का एक लेयर लगाया है। देखिए, इस टाइप से इसको ज्वाइंट करना है और इस पे भी हम टूल्स की हेल्प से देखिए इस टाइप से इस पे फोल्ड बनाएंगे। फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिए मैंने साड़ी के ऊपर फोल्ड कैसे बनाया है। और टूल्स की हेल्प से फोल्ड बनाने के बाद इसको हम ब्रश में पानी लगाकर क्लीन कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमने दोनों पैर पे साड़ी का डिजाइन बना लिया है। देखिए, इसके बाद हम पैर के उंगली को बनाएंगे। तो पैर के उंगली को बनाने के लिए हमने सुई का हेल्प लिया है। देखिए, सुई से लंबा लंबा लकीर खींच लिया है और इसी से पैर का उंगली बनाया। एक पैर साड़ी के अंदर छिपा हुआ है। इसके बाद हम इनके बॉडी को बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे भी हमने मिट्टी ऐड किया है इस टाइप से। और इसके बाद कमर पे भी थोड़ा सा मिट्टी ऐड करेंगे और सबको हम क्लीन करके मिला देंगे। देखिए, एक दूसरे से पीछे से भी अच्छे से मिट्टी लगाकर ज्वाइंट कर दें मूर्ति को। अब हम साड़ी के कुछ और पार्ट को भी बना लेंगे। देखिए, यहाँ पे हमने मिट्टी ऐड किया है दोनों पैर के बीच में और इस पे भी हम लंबा लंबा लकीर खींचेंगे टूल्स की हेल्प से और उसको हम क्लीन कर लेंगे ब्रश से। इसके बाद हम कमल के फूल के ऊपर का पार्ट बना लेंगे। तो हमने उसी टाइप से पंखुड़ी बनाया है जैसे नीचे के साइड के लिए बनाया था और इसको यहाँ पे चिपकाना है। चारों तरफ से इसी तरह चिपका देना है। पंखुड़ी को चिपकाने के बाद हम टूल्स की हेल्प से इस पे भी डिटेलिंग कर लेंगे जैसे नीचे वाले में किया था और सबको ब्रश से क्लीन कर लेंगे। और देखिए, हमने सबको क्लीन कर लिया है चारों तरफ से पंखुड़ी लगाने के बाद और ये कमल का फूल बनकर रेडी है। देखिए, इसके बाद हम ऊपर के साड़ी के पार्ट पे देखिए फोल्ड बना लेंगे इस टाइप से टूल्स की हेल्प से और इन सबको भी क्लीन कर लेंगे। फ्रेंड्स, कमर में हम मिट्टी की पतली क्वाइल की हेल्प से कमर बंद बना लेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पे पतला क्वाइल चिपकाया है, चारों तरफ से चिपका लेना है और उस पर पेन की रिफिल और सुई की हेल्प से हम इस पर डिटेलिंग कर लेंगे, ज्वेलरी का टेक्सचर देंगे। तो आप ध्यान से देखिए हमने कैसे इस पर डिजाइन बनाया है और इसी टाइप से पीछे से भी बना लेना है। फ्रेंड्स, इसके बाद हम लक्ष्मी जी का कलश बनाएंगे। तो देखिए, हमने कैसे बनाया है कलश और इन सबको क्लीन कर लेना है और इस पे सुई की हेल्प से हम कुछ डिजाइन वगैरह भी बना देंगे। तो आप ध्यान से देखिए हमने कलश को कैसे बनाया है। फ्रेंड्स, कलश बनाने के बाद मूर्ति में डार्क के साइड इस टाइप से फिक्स कर देना है। देखिए, इसको ज्वाइंट करने के लिए हमने एक लकड़ी इसमें लगा दिया है। देखिए, इस टाइप से ये अपने जगह से हटे ना और बीच में हम देखिए इस टाइप से कलश के अंदर छोटा छोटा सिक्का बनाकर चिपका देंगे मिट्टी से। इसके बाद हम मूर्ति का हाथ बनाएंगे। तो आप ध्यान से देखिए हमने हाथ को कैसे बनाया है। मैंने यहाँ पे मूर्ति के चार हाथ बनाए हैं, पर मैंने वीडियो में एक ही हाथ बनाकर दिखाया है आपको। सेम इसी टाइप से आप चार हाथ बना ले। फ्रेंड्स, मिट्टी के पतले क्वाइल की हेल्प से हमने उंगलियाँ बना लिया है। देखिए, और इन सबको पानी की हेल्प से अच्छे से हमने चिपकाया है। कुछ इस टाइप से चार उंगलियां हम पहले बना लेंगे और ऊपर से भी थोड़ा सा मिट्टी ऐड करके देखिए इस टाइप से क्लीन कर लेंगे। और इसके बाद हम
इसको मोड़ लेंगे इस टाइप से, देखिए अच्छे से मोड़ना है ताकि उंगली टूटे ना, क्रैक ना हो, और जहाँ क्रैक हो जाए पानी से फिर क्लीन कर ले। और ऊपर हथेली में भी देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिट्टी ऐड किया। इसके बाद यहाँ पे हमने अंगूठा एक लगा दिया है छोटा सा, और ये हाथ बनकर रेडी है। इसी टाइप से हम बाकी हाथ भी बना लेंगे, और इस पर देखिए सुई की हेल्प से हम लकीर भी खींच लेंगे हथेली पर, और ये हाथ बनकर रेडी है। इसको अब हम यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने मूर्ति के चारों हाथ को फिक्स कर दिया है, देखिए अच्छे से। इसके बाद हम आगे का जो हाथ है इसकी उंगलियां को बना लेंगे। तो आप ध्यान से देखिए हमने उंगलियां को कैसे बनाए। यहाँ पे हमने पतले पतले क्वाइल को चिपकाकर यहाँ पे उंगलियां को बनाया है, और एक छोटा सा अंगूठा भी हम लगा देंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद हम पीछे के दोनों हाथ के लिए कमल का फूल बनाएंगे छोटा छोटा। तो देखिए हमने लोहे के पतले वायर में इस टाइप से मिट्टी लगाकर छोटा छोटा फूल बनाए, या बनाना बहुत ही इजी है। और सेम इसी टाइप से हमने दो पीस फूल बना लिया है, और इस पर सुई की हेल्प से देखिए हमने डिटेलिंग भी कर दिया है, और सबको क्लीन कर लेना है। देखिए हमने दो पीस बनाए हैं, इन दोनों को पीछे के दोनों हाथ में हम लगा देंगे। अब हम गर्दन बना लेंगे। तो देखिए इस टाइप से हमने मिट्टी लगाया है, और फेस का वीडियो मैंने अलग से बनाया है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। देखिए मैंने इसी मोल्ड से इसको बनाया है, और मोल्ड बनाना और फेस बनाना दोनों का वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पे, आप वहाँ से जाकर देख लेना। और फेस को हम अच्छे से पीछे से चिपका देंगे, अच्छे से ज्वाइंट करना है। और इसके बाद हम बाल बनाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर मिट्टी लगाया है इस टाइप से, मिट्टी लगाकर, और इस पर भी हम डिटेलिंग कर लेंगे, बाल का टेक्चर देंगे। पहले मिट्टी को अच्छे से ज्वाइंट कर देना है बॉडी से, और इसके बाद इस पर हम टूल्स की हेल्प से देखिए इस टाइप से लकीर खींचना है, और सबको क्लीन कर देना है ब्रश में पानी लगाकर। आगे और पीछे दोनों साइड से हम इसी टाइप से कर लेंगे। देखिए पीछे के साइड से भी हमने इस टाइप से लकीर खींचा है, मिट्टी पहले चिपकाया है, और इसी के ऊपर इस टाइप से लकीर खींचकर सबको ब्रश में पानी लगाकर क्लीन कर दिया है बाल को। और ये दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था, कलर होने के बाद ये और भी सुंदर लगेगा। देखिए बाल को हमने बना लिया है। फ्रेंड्स, बाल को बनाने के बाद मूर्ति का हम कान बना लेंगे, और कान में छोटा छोटा कुंडल भी हम बना लेंगे। तो आप ध्यान से देखिए हमने कान को कैसे बनाया है, और कान का जो कुंडल है इस पर डिटेलिंग के लिए हमने पेन की रिफिल से इस पर डिटेलिंग किया है कान के कुंडल पे। और देखिए इस टाइप से हमने कान बना लिया, और कान का कुंडल भी बना लिया, बहुत ही ईजी है। इसके बाद हम मुकुट के पीछे का पार्ट बनाएंगे। तो देखिए इस टाइप से हमने मुकुट के पीछे का पार्ट बनाया है, और इस पर भी हमने सुई और पेन की रिफिल से डिटेलिंग किया है। फ्रेंड्स, हमने मुकुट के पीछे के पार्ट को बना लिया है। देखिए अब इसको हम मुकुट के पीछे ज्वाइंट कर देंगे अच्छे से मिट्टी लगाकर, और ये हमने मुकुट बना लिया। अब हम गले का नेकलेस बना लेंगे। तो यहाँ पे भी हमने मिट्टी का पतला लेयर को चिपकाया है देखिए, और इस पर भी पेन की रिफिल और सुई की हेल्प से डिटेलिंग कर लेंगे नेकलेस पे। तो आप ध्यान से देखिए हमने कैसे किया है। फ्रेंड्स, जब ऊपर का हार बन जाए उसके बाद हम नीचे एक और छोटा सा हार बना लेंगे देखिए इस टाइप से, और इस पर भी हम सुई की हेल्प से डिटेलिंग कर लेंगे। तो हमने हार बनाने के लिए मिट्टी का पतला क्वाइल को चिपकाया है यहाँ पे, और इस पर देखिए सुई से हम डिटेलिंग कर लेंगे, बहुत ही ईजी है ये। फ्रेंड्स, हमने लक्ष्मी जी के मूर्ति को बना लिया है। अब हम इनके वाहन उल्लू को बनाएंगे। तो देखिए इस टाइप से पहले हम शंख बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे मिट्टी ले लिया है, और इसको इस टाइप से मोड़कर शंख बनाएंगे। तो आप ध्यान से देखिए हमने शंख को कैसे बनाया है, और शंख के नीचे हम कमल का फूल का जो पत्ता होता है उसको बनाएंगे, और उसी पर हम शंख को रखेंगे। तो ये हमने कमल के फूल के पत्ते को बना लिया है, और इसी पर हम शंख को चिपका देंगे अच्छे से, और इसी के ऊपर हम उल्लू को बैठाएंगे। सबको हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है ज्वाइंट करने के बाद। अब हम उल्लू को बनाएंगे। तो आप ध्यान से देखिए हमने उल्लू को कैसे बनाया है, कुछ इस टाइप से शेप देना है मिट्टी को। और फ्रेंड, जहाँ पे हम इसका आइज बनाएंगे वहाँ पे हमने उंगली की हेल्प से गड्ढा कर दिया है देखिए। इसके बाद हम इसका हम चोच बना लेंगे मिट्टी लगाकर, और दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा मिट्टी लगाकर हम इसका कान बना लेंगे। और कान के अंदर भी देखिए टूल्स की हेल्प से हम गड्ढा कर देंगे इस टाइप से, और दोनों साइड से हम बॉडी में इस टाइप से पंख लगा देंगे, और इसको चिपका देंगे। देखिए हमने इसका बॉडी का शेप दे दिया, अब इस पर हम डिटेलिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका आइज बनाएंगे। तो यहाँ पे मिट्टी लगाकर पेन की रिफिल से हमने आइज बना लिया है। इसके बाद हम बॉडी पे भी देखिए पेन की रिफिल से इस टाइप से टेक्चर देना है, तभी ये उल्लू जैसा दिखेगा। और पीछे से हमने सुई की हेल्प से इस पर इसके बॉडी पर देखिए इस टाइप से लकीर खींचा है कलर के बाद, यह बहुत ही सुंदर लगेगा दिखने में। और ये हमने उल्लू बना लिया है, पंख पर भी देखिए हमने डिटेलिंग कर दिया। अब इसको हम शंख पर अच्छे से ज्वाइंट कर देंगे।
मिट्टी लाकर पीछे से ज्वाइंट कर देना है। और ये इसके बाद हम इसका पंजा बना लेंगे। तो यहाँ पे भी देखिए हमने मिट्टी ऐड किया है, पतला पतला क्वाइल को चिपकाया है और ये उल्लू हमने बना लिया है देखिए पीछे से इसका पार्ट। और इसको हम लक्ष्मी जी के बगल में रख देंगे और यह मूर्ति बनकर रेडी है। देखिए इसका फाइनल लुक। फ्रेंड्स आपको ये मूर्ति कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको इसका कलर वाला वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करना, तो मैं कलर वाला वीडियो भी ला दूंगा जल्दी ही। फ्रेंड्स आज का वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।